बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गाजरें, ठीक है। जिसमें मैंने गाजरें काट ली, ठीक है, धो के तो काट ली। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये प्याज है, ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, घी डाल लिए, ठीक है। और ये टमाटर है, धनिया, ये आलू है। मैंने आज आलू मेरे पास घर में ही थे, जो छोटे छोटे आलू थे, तो मैंने उसको उबाल लिया, ठीक है। उबाल के अब मेरा बच्चा बना रहे हैं, तो छिलके उतार रहे हैं, मैंने थोड़े से रखे हैं, ठीक है। ये धनिया है, नमक, मिर्च, हल्दी, कलौंजी, और ये कड़ी पत्ता है, ठीक है। और ये गरम मसाला है। अब ये मैं ऊपर रखने लगी, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये देखें नाज़रीन, ब्राउन हो गए हैं। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, तो भूनना। ये भी हो गया। अब इसमें डालूंगी मिर्च, ये 2 चम्मच डाल दूंगी मिर्च, 2 टीस्पून। और हल्दी डाली है, कलवंजी थोड़ी सी चुटकी, और ये नमक, ठीक है। मसाला मैं बाद में डालती हूँ, मैं पक जाएंगे ना, एंड पे डाल के ना थोड़ा सा भून के उतार। बिस्मिल्लाह। ये टमाटर, ये 3-4 टमाटर थे, ये डाल दिए। अब इसके साथ ही मैंने ना वो डाल देनी है, गाजरें। आलू तो मेरे पास उबले हुए हैं, इसलिए मैं गाजरें साथ ही डाल दूँगी, साथ ही टमाटर मेल्ट हो जाएंगे और साथ ही गाजरें हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह। ठीक है, गाजरें डाल दी। इसमें पानी नहीं डालना मैंने, ऐसे ही दम पे रखूँगा, इसका उसका पानी निकल आता है, ठीक है। जब जब देखूँगी ना गल गई है, तो भून के साथ ही मैं आलू डाल दूँगी, आलू को भी थोड़ा भून के, तो फिर मैं बस कर दूँगी इसको। पहले तेज़ आंच करनी है थोड़ी सी, जब देखना है कि टमाटरों ने भी पानी छोड़ दिया है और गाजरों ने भी छोड़ दिया, फिर इसको ना डाल देना और हल्की आंच कर देनी कि गाजरें गल जाए, अपने ही पानी में गल जाए, ठीक है। अब मैं इसको डाल दूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसको आसान कर दूंगी ना कि ये पानी ये छोड़ दें। बिस्मिल्लाह। तो ये अब मैं दम में ही पकेंगी, ठीक है। अब 10 मिनट के बाद मैं चेक करूंगी, तो फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें, ये हो गए, क्या कहते हैं, गाजरें भून लिए मैंने, ठीक है। ये अब इसमें मैं डालूँगी सिलाई, ये सूखी मेथी है, ठीक है, ये कड़ी पत्ता है, और ये धनिया है, ये डाल देना। और साथ ही मैंने डाल देने हैं बिस्मिल्लाह आलू, देख लेना कितने इसकी ज़रूरत है। ये छोटे छोटे आलू थे, मैंने उबाल लिए, अब इसको थोड़ी देर ही पकाऊँगी। ये निकाल, ओ ये इसको भून लेना है। इसमें नमक थोड़ा सा कम था, मैं नमक डालने लगी हूँ, ठीक है। और ये गरम मसाला, ये अब ये मसाले इसके पूरे हो गए, ठीक है। इसमें
अब ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब ये आलू डालने हैं, आलू में नमक मिर्च मिक्स हो जाए, इसलिए हम इसको 5 मिनट ना दम पे लगाएंगे, ये इसमें भी नमक मिर्च हो जाए, ठीक है। और फिर इस पे धनिया वगैरह डाल के डिश आउट करेंगे। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें आलू कचौड़ी बना लिया मैंने, डिश आउट कर दी है, नमक मिर्च वगैरह सूखा सब्ज़ धनिया भी डाल दिया, और ये टिकिया थोड़ी सी बनाई है हमने। देखिए कैसी लगी आपको ये रेसिपी, पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट भी कर दें प्लीज़। आपकी तावन की मुझे ज़रूरत है, दुआओं में याद रखें, मैं भी याद रखती हूँ। ठीक है, फिर अगली रेसिपी में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।